तीन तीन एंड चेंज किया जाएंगे, तीन ओवर। सर्कल पावर प्ले, चंद्रेश थोराट, कार्तिक खंबादी का नंबर चाहिए। टॉस जीतने के बाद यहां पर वार्ड नंबर दो बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, और पहले गेंदबाजी के ऊपर यहां पर आमंत्रित किया, फील्डिंग की सजावट कर ली है। एग्जीबिशन मुकाबला, दोनों पारंपरिक बल्लेबाज आ चुके हैं, हिनल गरासिया और पार्थ मोदी। क्रिसिव 11 ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। स्ट्राइक के ऊपर पार्थ मोदी और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर हिनल गरासिया। अंपायर कुलदीप पटियार और यस जानी। पहले ओवर की पहली गेंद, हिरेन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। हिरेन ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। पहले ओवर की पहली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी लंबा समय लेकर बल्लेबाज पार्थ मोदी के लिए। सामने की तरफ स्टैंड एंड डिलीवर, बहुत ही बेहतरीन आगाज, अच्छा तो अंजाम अच्छा आगाज किया बल्लेबाज पार्थ मोदी ने सिक्सर के साथ। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, बहुत ही बेहतरीन वहां पर हिरेन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पार्थ मोदी, इस बार हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी है प्रणव आहिर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। वन बाउंस के बाद अच्छी फील्डिंग, यह सीमा रेखा के करीब से गेंद को फील किया वहां पर अमर ने। दो रन आसानी के साथ पूरे किए, दो के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। स्पीचर पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। राहुल आरके फील्डिंग कर रहे हैं, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, स्क्वायर लेग एक फील्डर तैनात है। बल्लेबाज पार्थ मोदी के लिए इस बार डीप कवर, बाउंड्री लाइन को खुला छोड़कर रखा था, उसका फायदा उठाया है। गेंद गई सामने की तरफ, स्टैंड एंड डिलीवर आउट ऑफ पार्क।
सामने की तरफ गेंदबाज के सर के ऊपर से दस्तक देने के बाद गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पार्थ और हिरन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर स्लोगन, इस बार नो बॉल का इशारा। वहां पर लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा की ओर। अच्छी फील्डिंग सीमा रेखा के करीब से शायद गेंद को फील किया है अमर ने। 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अतिरिक्त 1 रन काउंट किया जाएगा 3 रन और नो बॉल है, यानी कि फ्री हिट मिलेगी आने वाली गेंद के ऊपर बल्लेबाज पार्थ मोदी के लिए। स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन, पारी का यह प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। इस बार हवा में गेंद नीचे खिलाड़ी अमर, लेकिन गेंद पहुंच जाएगी सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से। यूज एन आई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क, जिस प्रकार से आगाज किया था उसी प्रकार से पहले ओवर का अंजाम दिया। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर विदाउट लॉस। दिगुलाहिर एक विकेट के नुकसान के ऊपर अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर गए बल्लेबाज हिनल गरासिया, उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज विशाल ने प्रस्थान किया है पिच मैदान के ऊपर। दिगुलाहिर दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है फार्म एंड की ओर से। सामने की तरफ इस बार बल्ला चलाया, 1 बाउंस के बाद गेंद पहुंच जाएगी सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर
चार रनों के लिए। वापस गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है दिगु लाहिर। स्कोर कार्ड के ऊपर 32 रन बने हैं पारी का ये दूसरा ओवर। इस बार कट किया है पॉइंट के ऊपर, फील्डर तैनात है, रनआउट का खतरा मगर सुरक्षित क्रीज में मौजूद। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर, दोनों ही बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया और एक रन आसानी के साथ पूरा किया। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33-33 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर चलता हुआ। पावर प्ले अभी भी जारी है, नौ खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर बल्लेबाज के लिए। बल्लेबाज पार्थ मोदी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पारी का प्रारंभ के लिए आए थे 7 गेंदों के ऊपर 26 रन बनाकर। इस बार गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया, जगह बनाकर स्टोक को खेलने का प्रयास था। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, मेन अंपायर के ऊपर कुलदीप पटियार और स्क्वेलेग अंपायर के ऊपर यश जानी। हमारे दोनों क्वालिफाइड अंपायर को शामिल किया गया इस टूर्नामेंट के लिए, ऑर्गेनाइजर कृष्णा कप और ये एग्जीबिशन मुकाबला चलता हुआ पिच मैदान के ऊपर। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास था, इस बीच पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। ओवर की समाप्ति, इस बीच दो ओवर की समाप्ति के बाद 33-33 रन, दो ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान के ऊपर डीजे। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डिंग डिक्सिक्शन खुल जाएगा यहाँ से बल्लेबाजों के लिए। फील्ड फैला दी जाएगी, जिस प्रकार से फील्डिंग की सजावट की है विशाल के लिए। बल्ला जरूर चलाया था वहां पर, स्लॉकशिप करने का प्रयास था, बल्ले का अंदरून हिस्सा लिया, बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद वहीं पर रह गई। विकेट कीपर खुद आए, जब तक गेंद फील होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं दोनों बल्लेबाज की ओर से। स्क्वेलेग डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है और डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर दिगु लाहिर। एक्स्ट्रा कवर 30 यार्ड सर्कल के अंदर निर्मल सुरती पॉइंट के ऊपर एक फील्डर तैनात है बल्लेबाज विशाल के लिए। सामने की तरफ इस बार बल्ला थोड़ा सा रोल हुआ है और बहुत ही बेहतरीन कैच, वहां पर शायद कैच लपक लिया था लेकिन गेंद वहां पर छिटक चुकी, वहां पर प्रयास अच्छा था। जैसा देखिए कैमरा में यहाँ पर रिप्ले में दिखाया जा रहा है, जिस प्रकार से वहां पर हाथ में गेंद आ चुकी थी निर्मल सुरती के, उसके बाद गेंद छिटक गई, मौका मिला बल्लेबाज विशाल को। यहां से 2 रन आसानी के साथ पूरे किए, कट किया वहां पर फील्डर तैनात है, जब तक गेंद फील होती शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर विकेट कीपर केयूर आहिर के हाथों में गेंद पहुंची है। बल्ले का अंदरून हिस्सा लिया था तुषार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, 35 रन बने पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। स्कोर कार्ड के ऊपर वो नंबर 2 बल्लेबाजी के ऊपर है, टॉस जीता था हिनल गरासिया ने और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सामने की तरफ इस बार फील्डर तैनात दिगुल, डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर हल्की सी मिस फील्डिंग हुई, जब तक वहां पर अच्छी फील्डिंग कवर के ऊपर फ्रेम जा पहुंचे थे बाउंड्री लाइन के ऊपर। 2 के साथ यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल अंकों में जा पहुंचा है 37 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर, तुषार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर। इस बार सामने की तरफ हवा में नीचे खिलाड़ी है और होम डिलीवरी वाला पार्सल कलेक्ट किया, कैश ऑन डिलीवरी किया, पवेलियन का रास्ता दिखाया और चलता किया बल्लेबाज विशाल को पवेलियन की ओर। एक अच्छा वहां पर गेंदबाजी और अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर प्रेम की ओर से।
नए बल्लेबाज ने प्रस्थान किया है बीच में धन के ऊपर। फिलहाल बॉलर बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है तुषार। बल्ला जरूर चलाया था वहां पर, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया, गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर क्रिस ह्यू 11। ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के बीच में चलने वाला एग्जीबिशन मुकाबला पर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है पावेश पटेल की ओर से। पीआर चैनल स्पॉट आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, पीआर स्पॉट है चैनल और हमारे दोनों क्वालिफाइड अंपायर। अब कौन से गेंदबाज का इस्तेमाल करना है ये कप्तान गहरी सोच में है। पहले 3 ओवर यहां पर समाप्त हुए, स्कोर कार्ड के ऊपर 37 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर इस बीच दिगु लाहिर को शामिल किया जा रहा है कप्तान की ओर से। पारी का ये 4th ओवर अपने कोटे का 2रा ओवर लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पार्थ मोदी और थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। फिलहाल बीच मैदान के ऊपर हमारे बीच जहिला राजपुरी तलाट से बिलोंग करते हैं। दिगु लाहिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पार्थ मोदी, थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट। पहला स्लिप जमाया जा रहा है विकेट कीपर के ठीक पीछे, आप देख सकते हैं केयूर आहिर है विकेट कीपर। डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर आउटफील्ड है काफी ज्यादा तेज, प्रयास अच्छा है वहां पर लेकिन गेंद पहुंच गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चार के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41-41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एग्जीबिशन मुकाबला चलता हुआ पिच मैदान के ऊपर। फिलहाल दिगु लाहिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पार्थ मोदी। फुल टॉस गेंद जरूर थी इस बीच, रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास था बल्लेबाज की ओर से, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं डॉट गेंद। इस बार रिवर्स शॉट खेला है वहां पर गली के ऊपर, गेंद पहुंच गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 45-45 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 4th ओवर और दिगु लाहिर 13 रन अभी तक खर्च किए कसरिए। यहां पर 3 गेंद हो चुकी है, पार्थ मोदी जा पहुंचे 12 के ऊपर 34 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं एग्जीबिशन मुकाबले में। फाइव रन स्कोर कार्ड के ऊपर, फील्डर तैनात है वहां पर, अच्छी फीलिंग, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर दिगु लाहिर। बैठक शॉट लगाने का प्रयास, बल्ले का टॉप एज लिया है प्रणव आहिर है, सुबह से एक कैच छोड़ा नहीं है उन्होंने
और अच्छा कैच वहां पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, विकेट का यहां पर सिलसिला चल रहा है पिच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी टीम के लिए। दिगो लाहिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर तैयार है, स्ट्राइक के ऊपर कार्तिक, रिवर्स अटेम्प्ट का प्रयास था इस बीच, पैर के साथ टकराने के बाद पॉइंट के ऊपर जा रही है, रनआउट का खतरा है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षित क्रीज में मौजूद। ओवर की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति के बाद 46-46 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर डीजे। की ओर से पांचवा बल लेकर एग्जीबिशन मुकाबले में, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पार्थ मोदी, एक आक्रामक पारी खेलने का प्रयास है बीच मैदान के ऊपर। रन तुषार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पार्थ मोदी, उल्टॉस गेंद इस बार दिशा दिखाई है, नशाकत दिखाई है, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए चेयर ऑफ द 50, 50 रन पूरे किए वन नंबर 1 ने, वन नंबर 2 ओके माय मिस्टेक, ये काफी लेट हो चुका है, समय देखिए आप। कृषि विलेवन वन नंबर 2 यहां पर बल्लेबाजी के ऊपर, इस बार हवा में गेंद नीचे, खिलाड़ी है वहां पर और आउट। एक अच्छा कैच वहां पर देखने को मिला, टॉस जीता था यहां पर हिनल गरासिया ने, वन नंबर 2 और बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 50 रन बन चुके हैं, पारी का ये 5वां ओवर है। पार्थ मोदी अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर गए उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में। चंद्रेश थोराट ने प्रस्थान किया है नए बल्लेबाज के रूप में। तुषार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है, दूर वाले छोर से स्ट्राइक के ऊपर, राइट आर्म ओवर द विकेट, चंद्रेश थोराट सामने की तरफ इस बार बल्ला चलाया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, हवा में गेंद थी वहां पर और दूसरे के लिए पलटवार किया, डायरेक्ट हिट हुई है, यस यहां से अंपायर ने अपना इशारा आउट किया, कुलदीप परियार ने अपने बांसुए खोली यहां पर, रन आउट से दामन छूटा बल्लेबाज कार्तिक का, एक अच्छा प्रयास था अपने घर में जाने का लेकिन नाकाम रहे।
के रूप में सागर मोदी ने प्रस्थान कर लिया है विकेट के ऊपर। फिलहाल चंद्र सोराट स्ट्राइक के ऊपर और तुषार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बार बहुत ही बेहतरीन हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी है, यस गेंद ट्रैवल नहीं कर पाई वहां पर, मिडल अच्छा किया था लेकिन प्रणव आयर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर एक अच्छा कैच। विकेट का सिलसिला चलता हुआ बल्लेबाजी टीम वोट नंबर दो के लिए। एकावन रन नए बल्लेबाज भार्गव गावित, एक इमर्जन खिलाड़ी उभरते हुए सितारे धर्मपुर क्रिकेट से आ चुके हैं। गेंदबाज तुषार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर भार्गव गावित, बहुत ही बेहतरीन पिकअप शॉट लगाया इस बार लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से, यूज एन आई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। के ऊपर स्कोर आगे बढ़ता हुआ, आते ही जलवा दिखाया बल्लेबाज भार्गव ने और तुषार एक असरिय पांच गेंद कर चुके, अभी तक 15 रन खर्च चुके और 3 सफलता। इस बार सामने की तरफ डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज है, बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है, दो खिलाड़ी है लेकिन मौका मिलेगा नहीं। इस बीच ओवर की समाप्ति, चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 61 61 रन वो नंबर दो। प्रणव आहिर पारी का ये आखिरी ओवर लेकर स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सागर मोदी और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर भार्गव गावित। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, इस बार गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर, नाइस कैरिज टू द विकेट कीपर केयूर आहिर। जब तक गेंद फील होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, 61 रन स्कोर अभी भी रुका हुआ है वो नंबर दो का। बल्लेबाज भार्गव गावित और सागर मोदी बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्लो गेंद थी इस बार, बल्ले का टॉप एड लिया, शॉर्ट फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर, युवराज सोलंकी है, हल्की सी वहां पर मिस फील्डिंग, जब तक गेंद फील होती तब तक एक आसानी के साथ पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर बल्लेबाज भार्गव गावित ने। 62-62 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, पारी का ये आखिरी ओवर चलता हुआ और एग्जीबिशन मुकाबला वन नंबर वन और वन नंबर दो के बीच में। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज भार्गव और गेंदबाजी के ऊपर प्रणव आहिर राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर। इस बार शॉर्ट आर्म पुल लगाया, नीचे खिलाड़ी है, बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी, अमर है, छोड़ेंगे नहीं, अपर हैंड कैसी लिया ऑस्ट्रेलियन टाइप और विकेट का पतन होता हुआ, विकेट नंबर एक और यहां पर वो नंबर टू को लगने वाला एक और झटका। भार्गव चौधरी नए बल्लेबाज,
व्हाइट का इशारा वहां पर अतरिक के साथ, स्कोर आगे बढ़ेगा 63 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रणव आहिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है दूर वाले छोर से सामने की तरफ, इस बार लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, एक से ज्यादा मिलेगा कुछ नहीं वहां पर। एक के साथ यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर। कृषि 11 यानी कि वार्ड नंबर 2 बल्लेबाजी के ऊपर है, अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सागर मोदी। जड़ वाली गेंद थी वहां पर, पूरी तरीके से बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद पहुंच गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज प्रणव आहिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर में। ऑफ स्टंप से इस बीच गुजरती हुई गेंद वहां पर जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। 64 रन बने हैं मुकाबले को जीतने के लिए, 65 65 रन बनाने पड़ेंगे।
प्रारंभिक बल्लेबाज जल्द से जल्द पहुंचे और हिनल भाई गरासिया से गुजारिश है जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करें पिच मैदान के ऊपर। वन नंबर दो के कप्तान, हमें भी जाना है, सुबह से आए हुए हैं। पार्थ काफी मुस्कुरा रहे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की आपने पारी के प्रारंभिक ओवर में। हमारे बीच यहां पर वो नंबर दो के आने वाले हैं। प्रियांक भाई उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत है, और रोहन भाई भी है जियो एजेंसी। गेंदबाज सागर मोदी अपने कोटे का पहला ओवर, पटकी हुई गेंद इस बार डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए। आगाज किया है चौके के साथ बल्लेबाज केयूर आहिर ने। और मनीष भाई पटियार जड़ वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन सीधे बल्ले से सम्मान दिया वहां पर। 65 रन बनाने हैं वन नंबर एक को, ये मुकाबला जीतना है तो 64 रन बनाए। एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी पार्थ मोदी की ओर से। अब गेंदबाज सागर मोदी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर केयूर आहिर, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और जाकर लगी सीधे स्टंप के ऊपर, वहां पर विकेट का पतन होता हुआ। विकेट नंबर पहला केयूर आहिर, क्लीन बॉल आउट होकर पवेलियन की ओर। नए बल्लेबाज राहुल आर के 50 रनों की पारी खेली गई थी लीग मुकाबले में। डाउन द ग्राउंड इस बार जमीन के सहारे बहुत ही बेहतरीन चौका मिलेगा यहां पर, गेंद पहुंच गई सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन राइट हम ओवर द विकेट, बल्ला जरूर चलाया था वहां पर लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिली हिनल गरासिया की ओर से। पिच मैदान के ऊपर वार्ड नंबर एक और वार्ड नंबर दो के बीच में एग्जीबिशन मुकाबला चलता हुआ। सागर मोदी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, राइट हम ओवर द विकेट, नीचे खिलाड़ी है भार्गव और छोड़ेंगे नहीं। अच्छा कैच वहां पर राहुल आर के, कैच आउट होकर पवेलियन की ओर बल्लेबाजी। लगने वाला दूसरा झटका ओवर नंबर एक को।
सलाम असुरा हुआ वहां पर, अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर गए बल्लेबाज राहुल, उनका स्थान लेने के लिए युवराज सोलंकी ने प्रस्थान किया है नए बल्लेबाज के रूप में। दूर वाले छोर से भार्गव अपने कोटे का पहला ओवर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर पावर प्ले चल रहा है। बल्लेबाज फ्रेम स्ट्राइक के ऊपर हवा में गेंद, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर तैनात है विशाल, और अच्छा कैच वहां पर, विकेट का सिलसिला चल रहा है बीच मैदान के ऊपर वार्ड नंबर एक के लिए। नए बल्लेबाज के रूप में यहां पर अमर, और हैट्रिक सिक्सर के ऊपर मनीष भाई पटियार की ओर से 500 रुपया है बल्लेबाज अमर के लिए, और युवराज भाई के लिए भी है। गेंदबाज भार्गव अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर अमर, ऑफ स्टंप से इस बीच जाने दिया, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 8 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर। पावर प्ले अभी भी जारी, 9 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर है बल्लेबाज के लिए। स्लॉग सिप करने का प्रयास था, इस बार लेंथ वाली गेंद थी, गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। बल्ले का टॉपेट लिया है इस बार, नीचे खिलाड़ी है कैचिंग पोजीशन के ऊपर चंद्रेश थोराट है, ये काफी स्टाइलिश है वहां पर, एक अच्छा कैच शॉट फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर। लगने वाला चौथा झटका नए बल्लेबाज के रूप में प्रणव आहिर, और प्रणव आहिर के लिए भी इनाम है हैट्रिक सिक्सर के ऊपर मनीष भाई पटियार की ओर से 500 रुपया। गेंदबाज भार्गव अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास था वहां पर, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, वहां पर डॉट गेंद। सीधे बल्ले से वहां पर हल्के हाथों से टैप किया है, 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। और इस ओवर की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 2 के लिए बहुत ही अच्छा ओवर रहा, सिर्फ 1 रन खर्च किया और 2 सफलता, 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 ओवर की समाप्ति के बाद।
नए गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है पारी के ये तीसरे ओवर में। रोड एन की ओर से स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज प्रणव आहिर ऑफ स्टंप के ऊपर। इस बीच गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, वहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बल्लेबाज के लिए एक अच्छी फील्डिंग की सजावट की। स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है बल्लेबाज प्रणव के लिए। भार्गव गावित फील्डिंग करे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर डीप मिड विकेट के ऊपर चंद्र सोराट और स्क्वायर लेग के ऊपर पार्थ मोदी। बल्ले का टॉप एड लिया इस बीच विकेट कीपर है यस हिनल गरासिया, वहां पर अच्छे कैच, विकेट का पतन होता हुआ। विकेट का सिलसिला चल रहा है वो नंबर एक के लिए, लगने वाला पांचवा झटका। नए बल्लेबाज के रूप में इस बीच तुषार, नौ रन बने हैं पांच विकेट के नुकसान के ऊपर। सीधे बल्ले से स्पीड ड्राइव किया, वहां पर फील्डर तैनात है। एक अच्छा शॉट यहां पर हॉरिजॉन्टल बल्ले से स्टोक को खेला था लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर सागर मोदी। जब तक गेंद को फील करे तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा किया। डबल अंकों में स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। ओवर की समाप्ति 13 रन पांच विकेट के नुकसान के ऊपर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 52 रनों की जरूरत। हवा में गेंद, वहां पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। कुछ ब्रह्मास्त्र वाला यहां पर कुछ कारनामा दिखाना पड़ेगा बल्लेबाजी को, टीम को, क्योंकि काफी ज्यादा रन चाहिए। 17 गेंदों के ऊपर 51 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर देरी से आए लेकिन दुरुस्त आए। गेंद पहुंची डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
हैट्रिक सिक्सर के ऊपर मनीष भाई पडियार की ओर से 500 रुपया है और एक सिक्सर लगाया है बल्लेबाज तुषार ने। एक और हवा के साथ घटा के संग गेंद पहुंची सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर हो चुके हैं। हैट्रिक लगाएंगे तो 500 रुपया मिलेगा। दो गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर लगाए हैं। अब हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो मनीष भाई की ओर से 500 रुपया है। मनीष भाई पटियार यहां पर बैठे हुए हैं। 26 रन बने हैं। 15 गेंदों के ऊपर 39 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। सागर मोदी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर पटकी हुई गेंद इस बार शॉर्ट आर्म बोल लगाया है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। अच्छी फील्डिंग है पार्थ मोदी की ओर से बाउंड्री लाइन के ऊपर। 1 ही रन मिलेगा। हल्की सी मिस फील्डिंग हुई वहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया और दूसरे के लिए भी पलटवार किया। यहां पर 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। युवराज पिंटा भाई अगर इस गेंद के ऊपर सिक्सर लगाएंगे तो 250 रुपया है। तेरह गेंदों के ऊपर 36 रन। हवा में गेंद नीचे खिलाड़ी और आउट। गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से गेंदबाज और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज तुषार 2 सिक्सर लगाने के बाद आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी कर रहे हैं। हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 500 रुपया मनीष भाई पडियार की ओर से। इनाम अभी भी कंटिन्यू है बल्लेबाजों के लिए। इस बीच हवा में नीचे खिलाड़ी है भार्गव गावित और आउट। ₹500 था अब ₹1500 है। हैट्रिक सिक्सर के ऊपर दिगु लाहिर नए बल्लेबाज के रूप में। लेग स्टंप छोड़ दी हुई गया इस बीच वहां पर वाइट का इशारा कुलदीप पडियार की ओर से। तीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर 7 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये
पांचवा ओवर, बल्ले कांदरू ने हिस्सा लिया वहां पर, वन बाउंस के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर हिनल करासिया के दस्तानों में। 10 गेंदों के ऊपर 35 रन चाहिए। हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 1500 रुपया है। बल्लेबाज दिगुल आहिर के लिए मानिस भाई पडियार की ओर से। डाउन द ग्राउंड लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है सागर मोदी। अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31-31 रन। निर्मल सुरती के लिए भी इनाम है 1500 रुपया हैट्रिक सिक्सर के ऊपर। 7 विकेट के नुकसान के ऊपर 31-31 रन। स्लो गेंद थी वहां पर, उंगलियों को फेरा था गेंद के ऊपर, कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज निर्मल सुरती। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। धीरे धीरे ये मुकाबला वार्ड नंबर 2 के हाथों में सिरक रहा है। काफी ज्यादा रन चाहिए, 8 गेंदों के ऊपर 34 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर इस बीच आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज। बिट्टू है पहला रन काफी तेजी के साथ लिया और दूसरे के लिए भी पलटवार किया है, मिल भी जाएगा। 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। 33-33 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ। आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज के लिए 5वें ओवर की। वाइट का इशारा, एक के साथ 34-34 रन। स्पीचर डॉट गेंद, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति वहां पर, 6 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 31-31 रनों की जरूरत है। बल्लेबाजी टीम के लिए यहां पर इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है मनीष भाई पडियार की ओर से। 6 गेंदों के ऊपर 31 रन चाहिए और बल्लेबाज अगर ये मुकाबला जीता देंगे वार्ड नंबर 1 को तो 3100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा जीतने वाली टीम को, बल्लेबाजी वाली टीम को मिलेगा ये। बहुत ही अच्छी गेंद इस बीच गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद, यहां से डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है। 5 गेंद 31 रन, 5 गेंदों के ऊपर 5 सिक्सर लगाएंगे तो जाके ये मुकाबला टाई होगा। अच्छी गेंद डाउन द ग्राउंड खेला है वहां पर, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। रन लेने का प्रयास था लेकिन नॉन स्ट्राइक गेंद बल्लेबाज ने मना किया। अब 4 गेंद जीतने के लिए 31 रन। वाइट बॉल, वाइट के साथ अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35-35 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। रन आउट करना चाहते थे लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर और उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज के बीच में। 36 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर। 3 गेंद 29 रन चाहिए, 3 गेंद के ऊपर 29 रन मुकाबला जीतने के लिए। ओवर नंबर 2 धीरे धीरे जीत की ओर अग्रसर हो रही है। 6 रन निर्मल सुरती के बल्ले से लगने वाला है पहला सिक्सर। स्कोर आगे बढ़ेगा 6 के साथ 42-42 रन।
लौंगा बाउंड्री लाइन के ऊपर, इस बार डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। जब तक गेंद फील होती तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 43 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर, एक गेंद बची है जीतने के लिए, 22 रनों की जरूरत। एक गेंद 22 रन। डॉट गेंद के साथ यहां पर वार्ड नंबर 2 ने मुकाबला जीत लिया है। एग्जीबिशन मुकाबला यहां पर वार्ड नंबर 2 जीत चुकी है। यहां से अब